हेलो फ्रेंड्स, अस्मिता फूड जोन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे सेवई और कस्टर्ड से बनने वाली एक नई रेसिपी। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है एकदम बारीक वाली सेवई। ये लगभग 150 ग्राम है। सेवई को मैंने इस तरह से छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया है। सेवई को भुनने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है एक पैन। इसमें डालेंगे 1 से 2 चम्मच घी और अब इसमें डालेंगे सेवई और इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे 3 से 4 मिनट भून लेंगे। सेवई को 3 से 4 मिनट भून लिया है और इसका कलर भी काफ़ी अच्छा आया है। अब इसमें डालेंगे 2 चम्मच पीसी हुई चीनी। चीनी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसे सॉफ्ट बनाने के लिए इसमें डालेंगे 3 से 4 चम्मच फ्रेश मलाई। अब इसे मिक्स करते हुए 1 से 2 मिनट और भून लेंगे। मलाई को मिक्स करते हुए 1 से 2 मिनट भून लिया है। अब इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और अब इसी पैन में लेंगे 1/2 लीटर दूध। दूध में अच्छे से उबाल आने देंगे। इधर मैंने 1/2 कप दूध ले लिया है। इसमें डालेंगे 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर और 2 चम्मच कस्टर्ड पाउडर। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इधर दूध में अच्छे से उबाल आ गया है। अब इसमें धीरे धीरे करके मिक्स की हुई कस्टर्ड को इसमें डालेंगे और दूसरे हाथ से चलाते रहेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये गाढ़ा होने लगा है। और अब इसमें डालेंगे 4 से 5 चम्मच चीनी। चीनी को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और चीनी को अच्छे से घुलने तक इसे पका लेंगे। चीनी अच्छे से घुल गई है, अब गैस को बंद कर देंगे। अब इस तरह का कोई भी एक बाउल या कंटेनर लेंगे, सेवई को इसमें डालेंगे और इसे अच्छे से चम्मच से दबाते हुए इसे सेट कर लेंगे और लगभग 1 कप सेवई को मैंने अलग रख लिया है सर्व करने के लिए। अब इसके ऊपर बनाई हुई कस्टर्ड मिक्सर डाल देंगे। अब इसके ऊपर बची हुई सेवई डालेंगे। अब इसे और भी अच्छा दिखने के लिए इसके ऊपर डालेंगे थोड़े से ड्राई फ्रूट्स। देखिए फ्रेंड्स, सेवई कस्टर्ड की एक नई रेसिपी बनकर तैयार है। ये बहुत ही टेस्टी है और कम समय में बनकर तैयार हो जाती है। आप भी एक बार इसे ज़रूर ट्राई करें।